ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। सो फ्रेंड्स, आज एक न्यू और फ्रेश रीडिंग के साथ आई हूँ आपके पास, और इस रीडिंग का टॉपिक रहेगा शुड यू वेट और मूव ऑन, यानी कि क्या आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए या अब इस रिश्ते से मूव ऑन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। क्या ये पर्सन जेन्युइनली आपको चाहता है, उसके मन में क्या चल रहा है। तो आपके रिश्ते की कंबाइंड एनर्जी निकालेंगे कि रिश्ते की क्या कंबाइंड एनर्जी है, और फिर देखेंगे कि वो क्या चाहता है और आपको क्या मूव ऑन करना चाहिए या फिर आपको रुक जाना चाहिए। तो एक डिसीजन लेने में आपको बहुत इजी और आराम से आप सोच पाएंगे। अच्छा, अब ये एक जनरल रीडिंग है, सो बहुत लोग आजकल भी रिप्लाई करते हैं, कमेंट्स करते हैं, बिल्कुल गलत रीडिंग है मैम ये है, प्लीज़ ये एक जनरल रीडिंग है, उस राशि की रीडिंग है। अगर आपसे मैच होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो प्लीज़ ज़बरदस्ती खुद पे ना इसे थोपे मत, इसे कुछ भी फोर्स नहीं करना है। एक जनरल वे में इस रीडिंग को देखें और अपने ऊपर फोर्स ना करें, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। और हाँ, एक लास्ट बात कि जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, और जो लोग ऑलरेडी देखते हैं वीडियो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल का ऑल का ऑप्शन ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको वीडियोज़ मिलें, ठीक है। और एक लास्ट बात कि पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, वहाँ पर कुछ पेमेंट होती है और एक कुछ नॉमिनल चार्जेस या जो भी आपको लगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, आप वो देकर रीडिंग ले सकते हैं। सो फटाफट से रीडिंग को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सो लियो राशि यानी के सिंह राशि, तो देखते हैं आपके रिश्ते की कंबाइंड एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है। फ्रेंड्स, पहले एक कंबाइंड क्या चलता है इस रिश्ते का, अभी एज ऑफ नाउ करंट एनर्जीज आपके रिश्ते की क्या करना चाहिए, क्या चल रहा है, ठीक है, फिर हम देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। सो कंबाइंड एनर्जी निकालते हैं, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स। कार्ड्स को थोड़ा सा से करती हूँ, ठीक है। सो लियो राशि, नाइन ऑफ वॉन्ड से मुझे दिख रहा है एज ऑफ नाउ या तो आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं या फिर ऑन ऑफ में रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, जिसमें आप दोनों का रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती हैं। हो सकता है लियो आप किसी एरीज के साथ भी डील कर रहे हो, क्योंकि लियो और एरीज दोनों ही अग्रेसिव होते हैं बहुत ज़्यादा, और काफ़ी एरीज भी मोस्टली काफ़ी सन को रिप्रेजेंट करते हैं और लियो भी शेर को, सिंह को रिप्रेजेंट करता है, तो थोड़ा सा दोनों में हीटेड कॉन्वर्सेशंस या हीटेड चीज़ें हो सकती हैं। तो ये एक जनरल बात बोली है जो कि मेरे को अभी रीडिंग के वक्त आई है, बट ज़रूरी नहीं है कि सारे लियोज एरीज के साथ ही डील कर रहे हों, हर एक का अपना अपना रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, मूविंग फर्दर रीडिंग में क्या दिखता है कि नाइन ऑफ वॉन्ड से आप और आपके पार्टनर की अभी की फ़िलहाल की एनर्जीज में ऐसा है कि शायद दोनों इतना ज़्यादा समय नहीं दे रहे या दे नहीं पा रहे, चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे। हालांकि जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है वो ये है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर भी कोशिश करते हो एफर्ट डालने की, एक दूसरे के लिए खड़े रहते हो, पुरानी चीज़ें जो गलतियाँ हो भी जाती हैं तो उनको भूलते हो और फिर दोबारा से एक न्यू बिगिनिंग करते हो, बार बार पुरानी चीज़ों को गलत होने के बाद भी भूलते हो और फिर एक न्यू बिगिनिंग करते हो, फिर भूलते हो, फिर हाँ मानती हूँ कि शायद उस चीज़ों को जो करते हो शायद उनमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में कुछ गड़बड़ हो जाती है, वो शायद उतना बैठ नहीं पाता सही से, और फिर वो शायद इसलिए आप दोनों फिर एक लेवल पर आकर थोड़ा लड़ पड़ते हो या सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो जाती है या नो कांटेक्ट हो जाता है, बट आप दोनों के एफर्ट्स में कोई कमी नहीं दिखती,
ठीक है, तो आप भी काफ़ी कोशिशें करते हो, एफर्ट डालते हो, और वो भी काफ़ी कोशिशें करती हैं और एफर्ट डालते हैं, तब दोनों के एंड पे मतलब अच्छा दिख रहा है। हाँ, आप दोनों को अगर किसी चीज़ पे काम करना है तो वो अपने एफर्ट्स पे करना है, कुछ या तो थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है या फिर कुछ ऐसा आ जाता है। हाँ देखिए, टू ऑफ सोर्ड्स आया ना, तो आप कहीं ना कहीं ऐसे हो जाते हो, समझ नहीं पाते और फिर इमोशन से कम काम लेते हो और दिमाग से ज़्यादा लेने लग जाते हो, और ये कंबाइंड एनर्जी है तो दोनों की तरफ ही हो सकती है कि दोनों ही ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब आपको बताती हूँ कि जो भी आपका रिलेशनशिप चल रहा है फिलहाल के लिए लियो, अब इसमें आपका जो भी कहानी है उसमें एक दूसरे डेक से देखेंगे, क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए या फिर आपको फिलहाल के लिए रुकना चाहिए इस रिलेशनशिप में, आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको दिख रहा है फ्यूचर इस रिलेशनशिप का। ठीक है, सो डिवाइन की तरफ से हम एक डेक पुल कर रहे हैं, एनर्जीज देखते हैं क्या दिख रहा है, क्या लियो को बढ़ जाना चाहिए आगे या लियो को छोड़ देना चाहिए फिलहाल। लियो कार्ड्स बहुत ही प्यारे आए हैं, एक्सेप्ट वन कार्ड, टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ मतलब हेरोफेंट का कार्ड आया नंबर फाइव का, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड देन स्ट्रेंथ। कार्ड्स के अकॉर्डिंग में चलूं तो डेफिनेटली आपको रुकना चाहिए इस रिलेशनशिप में, आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, यू शुड वेट इन दिस रिलेशनशिप। यहाँ पर एक म्यूचुअल लव है, एक आपस में अंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों की शादी या तो शादी होने वाली है या प्लानिंग है या कमिटमेंट है, और या फिर कमिटमेंट देना चाहते हैं पर थोड़ा सा घबराते हैं और वो स्ट्रेंथ नहीं है आप में या आपके पार्टनर में कि वो उसे शायद उस तरफ लेके जाए। जो चीज़ मुझे अटपटी लगी और थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है कि देखिए, आप या आपका पार्टनर दोनों एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट रहें। अगर आप दोनों में से कोई एक पर्सन भी मैन्युपुलेशन गेम खेलने की कोशिश कर रहा है तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। सो सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे ये दिख रहा है कि समवेयर आप दोनों में से या तो कोई एक जना गोची मारने के चक्कर में है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ और सामने वाले को गेम खेल जाऊँ, सो वो चीज़ नहीं चलेगी। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसी बात ना हो। हालांकि अभी मैं आपको कोई भी सलाह नहीं दूंगी कार्ड्स के अकॉर्डिंग कि आप मूव ऑन करें, आपको वेट करके देखना चाहिए कि सामने वाले के दिल में एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि प्यार तो वो दिखा रहा है, कार्ड्स में तो आया है कि उसके मन में आपके लिए बहुत स्ट्रांग लव है। सो कार्ड में प्यार है तो फिर डेफिनेटली है, लेकिन ये जो उसके मन में या आपके मन में अगर ज़रा सा भी आ रहा है कि मैं सामने वाले को धोखा दूँ या वो धोखा देने के लिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रुक कर देखना चाहिए कि क्या गलती हो रही है और किसके एंड पे हो रही है। बट यू शुड वेट एंड हिम्मत रख कर आगे बढ़े, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। डिवाइन गाइडेंस देखती हूँ क्या है आपके लिए। सो डिवाइन गाइडेंस फॉर लियो राशि क्या है, लियो के लिए डिवाइन गाइडेंस। कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है, तो कोई अगर प्रॉब्लम थी, चीजें आई ऊपर नीचे हुई, सो ये एक कर्मा है जो बैड कर्मा था पिछला, और वही आपको शायद सता रहा है और उसकी वजह से शायद आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। सो अब वो कर्मा ख़त्म हो रहा है और एक साफ रास्ता आगे आगे बनता जा रहा है। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक, यानी कि अब एक ऐसा समय आ गया जब आपको काम करना है। ठीक है लियो, और एग्जांपल सेट करने का टाइम है, प्लस जो आपने बातें कही हैं अब वो सब करने का वक्त आ गया है, उसे डीले मत करें। ठीक है, एंड बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना है कि अरे ऐसा हो जाएगा तो क्या है और ये है और वो है, तो जितना ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे, विनम्र रहेंगे, शांत रहेंगे, कूल रहेंगे, और उतना ही आपके लिए आसान होगा चीज़ों को डील करना। ठीक है, सो ये है आपकी रीडिंग लियो फ्रेंड्स, और रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे बताना।
कमेंट करके, और क्लेम करना एनर्जी को, चैनल को सब्सक्राइब करना, पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कॉन्टैक्ट करना। मैं मिलूंगी अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।